मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इसका इंट्रोडक्शन, एक ऐसा जीव जो दो अलग अलग पेरेंट्स से मिलके बनता है उसको कहते हैं हाइब्रिड या संकर। ये एक आर्टिफिशियल या नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक या कृत्रिम कैसा भी प्रोसेस हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन से नए जोड़े बना के विविधताएँ उत्पन्न कराते हैं। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हम कृत्रिम रूप से एक ऐसी पॉपुलेशन बनाएं और उसको सेलेक्ट करें जिसमें हमारे इच्छित कॉम्बिनेशन हो कैरेक्टर्स के। इन जीन रिकॉम्बिनेशन से हम एक ही इंडिविजुअल में सारे कैरेक्टर्स लाने की कोशिश करते हैं और फिर हम इन हाइब्रिड वैराइटीज़ को यूज़ या एक्सप्लॉइट करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन चार तरह से हो सकता है। पहला है इंट्रा वैराइटल या अंतरा किस्मीय संकरण। दूसरा है इंटर वराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि अंतर किस्मीय संकरण, जिसमें हम सपोज वीट की या राइस की दो वराइटीज़ के बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। तीसरा है इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनेरिक, यानी कि अंतर जातीय या अंतरावंशीय संकरण। इसमें हम दो स्पीशीज़ के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। जैसे राइस की दो स्पीशीज़ के बीच में कराया तो हमें राइस की एक नई वैरायटी मिलती है। चौथा है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम दो अलग अलग जीनस के बीच में, दो अलग अलग वंशों के बीच में संकरण कराते हैं। जैसे कि हमने बनाया रफेनो ब्रासिका, रफेनस और ब्रासिका के बीच में करा के हाइब्रिडाइजेशन, या हमने ट्रिटिकम और सीकेल के बीच में संकरण करा के ट्रिटिकेल बनाया। एक प्लांट ब्रीडर को चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रजनन विज्ञानी को पेरेंट प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसको मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, उसको मालूम होना चाहिए कि वो पादप क्रॉस पॉलिनेटेड है या सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी कि स्व परागण होता है उसमें या पर परागण होता है। और लास्ट बात, उसको ये मालूम होना चाहिए कि एंथर्स कब मच्योर होते हैं और कब वो स्फुटित होते हैं। इसके प्रोसेस में सात स्टेप हैं। पहला है पेरेंट्स का सिलेक्शन, जनक पौधकों का चयन। तो इसको पहले पढ़ते हैं हम। ये जो सिलेक्शन है पेरेंट्स का, ये डिपेंड करता है हमारे ब्रीडिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पेरेंट प्लांट को हमें ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि वो लोकल एरिया में आराम से सर्वाइव कर सके और बेस्ट सूटेड हो उन कंडीशंस के लिए। ऐसा प्लांट जिसको हम चूज़ करते हैं संकरण के लिए, उसमें इनफ वेरिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसमें से आराम से अपने डिज़ायरेबल ऐच्छिक कैरेक्टर्स को हम आइसोलेट कर सके आगे की जनरेशंस में। सेकेंड स्टेप होता है ईमैस्कुलेशन या विपुंसन। इसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं। फ्लावर की एक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं एंथीसिस। इस स्टेज में एंथर राइप होके फट जाता है, पोलन्स बाहर निकलते हैं। इस स्टेज से पहले हमें फ्लावर में से एंथर्स हटाने हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स में वो खुद ही पॉलिनेट ना कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं ईमैस्कुलेशन। ये प्रोसेस यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाईसेक्सुअल और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में इसका कराना बहुत ज़रूरी है। जो ये टेक्निक है वो प्लांट टू प्लांट, फ्लावर टू फ्लावर अलग अलग होती है। हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से कार्पल्स को नुकसान नहीं होना चाहिए और एंथर्स को हटाते वक्त वो वहाँ पे टूटने नहीं चाहिए। जैसे जैसे फूल छोटा होता जाएगा, ईमैस्कुलेशन मुश्किल होता जाता है। ईमैस्कुलेशन कराने के बहुत सारे तरीके हैं। फोर्सेप्स से ले सकते हैं, सीजर से करा सकते हैं, एक छोटा सक्शन पंप लगा सकते हैं, गर्म पानी, अल्कोहल से, ठंडा ट्रीटमेंट देकर, या हम उनमें जेनेटिकली कोई चेंज करके उन प्लांट्स को मेल स्टराइल या सेल्फ इनकम्पैटिबल बना दें, या हम कोई केमिकल्स डालकर वहाँ पर एंथर्स को किल कर दें। तो नेक्स्ट मेथड है, उसको कहते हैं बैगिंग। बैगिंग यानी कि जिन प्लांट्स में हमने ईमैस्कुलेशन कर दिया है उनको हम एक बैग से, एक थैली से कवर कर देते हैं ताकि उनके ऊपर कहीं और उन स्टिग्मा पे, उन फ्लावर्स पे कहीं दूसरे पोलन ग्रेन्स नहीं आ जाएं, कहीं कोई क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। इनको बैग करके नीचे हल्का खुला, धीरे हल्का हल्का बैग करते हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज होता रहे, लूजली बैग करते हैं।
ये बैगिंग के कुछ तरीके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैग लगा है, ये बैग है और यहाँ पूरा इनफ्लोरेसेंस ही बैग कर दिया है। टैगिंग और लेबलिंग, इस बैग के नीचे यहाँ पर हम टैग लगा देते हैं और उसके ऊपर लेबल कर देते हैं। इस लेबल में क्या क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर, ईमैस्कुलेशन या विपुंसन के दिन, पॉलिनेशन की डेट, फीमेल पेरेंट की डिटेल्स, मेल पेरेंट की डिटेल्स, पादप का नाम और प्लांट ब्रीडर का भी नाम होना चाहिए। फिर हम पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं, मैच्योर और वायबल ग्रेन्स को, उनको पेट्रेडिश या पेपर बैग में पहले कलेक्ट करते हैं और बाद में उनको हम स्टोर करते हैं छोटी बॉटल्स या कैप्सूल्स में आगे यूज़ के लिए। ये यूज़ कहाँ आते हैं, जब हमें पॉलिनेशन कराना होता है। तो मैच्योर, फर्टाइल और वायबल पोलन्स को हम फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर डाल देते हैं। हमें पॉलिनेशन के समय दो बातों का खास ख्याल रखना होता है, पहला है पोलन की वायबिलिटी और दूसरा है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, दोनों मैच होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉलिनेशन ढंग से नहीं होगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स में पोलन्स बहुत समय तक वायबल रहते हैं तो वो एक बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिग्मास कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए या किसी एक समय पर ही एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि चावल में स्टिग्मास रिसेप्टिव होते हैं सिर्फ सुबह 8 बजे। पोलन ग्रेन्स को पेट्रेडिश में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक ब्रश की मदद से या टूथपिक या फोर्स की मदद से उसको स्टिग्मा पे लगा देते हैं। तो जो हमने पहले बैग्स लगाए थे वो बैग्स हम हटाते हैं पॉलिनेशन के टाइम और फिर से रिप्लेस कर देते हैं, और हमें ध्यान रखना है उनकी टैगिंग और लेबलिंग का। एक बार जब सीड्स उस बैग के अंदर ही मैच्योर होने देते हैं और वो मैच्योर जब हो जाते हैं तो उनको वहाँ से हम हटा लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनको अच्छे से सुखाते हैं और ढंग से स्टोर करते हैं ताकि जो पेस्ट्स हैं वहाँ पे वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। हमें खास ख्याल रखना है कि जो ये हाइब्रिड संकरण सीड्स हैं, बीज हैं, ये दूसरे कॉमन सीड्स या बीज से मिक्स ना हो। इसके लिए हम उन सीड्स को उनके ओरिजिनल टैग्स के साथ ही छोड़ देते हैं। फिर हम इन F1 जो हमें अब सीड्स मिले हैं, ये F1 जनरेशन है, इनको फिर हम आगे ग्रो कराते हैं और इनमें हम उम्मीद करते हैं कि हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन, विषम युग्मता मिलेगी। तो अगले सीजन में हम इन सीड्स को ग्रो कराते हैं और उनकी प्रोजेनिस को टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये क्रॉसिंग से मिले हैं इसलिए ये सीड्स कैसे हैं, हाइब्रिड्स या संकर बीज हैं। यूजुअली F1 को सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें बैक क्रॉसिंग करानी है तो उसको हम खुद किसी पेरेंट से क्रॉसिंग करवाते हैं। ये है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। फिर जब हम ये सब कर लेते हैं और हम फील्ड ट्रायल्स कर लेते हैं, खूब सारे टेस्ट कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं, तो अब उस वैरायटी को फार्मर्स, किसानों के काम के लिए, यूज़ के लिए हम मार्केट में रिलीज कर देते हैं ताकि उसका लार्ज स्केल कल्टिवेशन हो सके। ये है हाइब्रिडाइजेशन। Thank you.